वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी भारत में कुछ समय पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप 6.3 रिक्टर स्केल पर मापा गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। ये भूकंप की खबरें सामने आई हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 रिक्टर स्केल पर भूकंप मापा गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिजली के खंभे आधे झुक गए हैं, सड़कें फट गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई उत्तरी भारत में कुछ समय पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान हमारे साथ जुड़े हैं। जी आयुष्मान, बताएं। जी, ये अर्थक्वेक जो भूकंप ये आया है, ये 6.3 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर इसकी, और ये 24 तारीख आज 4:31 पर ये हुआ, और इसका डेप्थ जो है वो करीब 40 किलोमीटर है, और ये जो रीजन है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर रीजन है उस इलाके के आसपास है। और फिलहाल यही जानकारी आ रही है कि इसका जो इफेक्ट है, इसके जो रिपल इफेक्ट है वो पंजाब NCR और नई दिल्ली के इलाके और पंजाब में महसूस किए गए हैं, लेकिन जो मूलतः इसका सेंटर है वो पाकिस्तान में है। और जहां से हमें तस्वीरें भी आ रही हैं कि काफी ज्यादा जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, और फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसकी टीम्स वहां पहुंच रही हैं, मगर फिलहाल अब भारत में अगर बात करें तो पंजाब और NCR के जो एरियाज हैं उसमें इस भूकंप का इफेक्ट देखा गया। जी आयुष्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली NCR में भी ये झटके महसूस किए गए, क्या वहां पे कोई नुकसान दर्ज किया गया है? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल अथॉरिटीज का कहना है कि ऐसी कोई कंप्लेंट उनके पास नहीं आई है जिसमें ये सर्टेन किया जा सके कि कोई नुकसान या हानि हुई है, लेकिन IMD की तरफ से ये जरूर बताया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 6.3 स्केल का ये भूकंप था जो कि 4:30 के करीब हुआ भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर। जी शुक्रिया आयुष्मान इस जानकारी के लिए।